ओके सो वी आर लाइव नाउ. वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? दिस इज निशा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिजल्ट गुरु. हाउ आर यू ऑल? वेरी वेरी गुड इवनिंग. ओके सो वी हैव शौर्य, शीलू, शकुंतला, ममता. वेरी गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग दीपा. नमस्कार मनीषा. राधे राधे. जैन राधे राधे. शबनम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नरगिस अस्सलाम वालेकुम. वैशाली वेरी गुड इवनिंग. दामनी, रंजना, मानिक, सूरज, प्रकाश वेरी गुड इवनिंग. यश वेरी गुड इवनिंग. पबीता, मनीषा, प्रकाश, अरा, शबनम वेरी गुड इवनिंग. सुनील, संध्या. तो आज संध्या, संध्या आप दो तीन दिन से क्लासेस में नहीं हैं, मुझे लगा ऐसा. ठीक है, आज मैंने आपको देखा दो. शबनम, ईशा, अरा, शबनम, पूनम वेरी गुड इवनिंग. यशी वेरी गुड इवनिंग. पूनम, शकुंतला, चेष्टा, प्रभात वेरी गुड इवनिंग. हाउ आर यू? ओके ओके, तो आपने भी बर्ली पेंटिंग्स के बारे में उसमें देख लिया होगा. ठीक है, जो लोग कलाएं थी वैशाली, वहां पे समझ में आ गया होगा. ठीक है जी. रवि सिसोदिया, शकुंतला, लेखिका, स्मार्ट बॉय वेरी गुड इवनिंग. गोपाल चलिए, शबनम वेरी गुड इवनिंग. रमेश, लेखिका, रंजना, यश, सुमन, मोटिवेशन, गोपाल, राकेश. सो वी हैव टू मनीषा, वन इज मनीषा शर्मा एंड वन इज मनीषा सिंह. शालू, संजय वेरी गुड इवनिंग. राधे कृष्ण, ऐशा, नरगेश, कृतिका, रमन, सुनील, अजय, लक्ष्मी, राकेश, गौरी, दीपा, अंशु, सुषमा, चेष्टा, सुषमा, दिव्या, दीनानाथ वेरी गुड इवनिंग. चंद्रा, अजय, कृतिका, रोमन. चलिए, रिस्पांस आया शबनम, रिस्पांस आया. बिकॉज जब भी मैं यहाँ से ग्रीट करती हूँ इस वे में किसी का रिस्पांस कम आ पाता है. चलिए बहुत बढ़िया है. रमेश, अजय, शालिनी, गौरी, लक्ष्मी, पीयूषिका, लोकेंद्र, सुषमा, दिव्या, अंकिता, ब्रह्मा वेरी गुड इवनिंग. हाउ आर यू? दिव्या, सीमा, विकास वेरी वेरी गुड इवनिंग. कोई स्टूडेंट रह गया हो तो उनको भी क्या है, वेरी गुड इवनिंग है. आज का सेशन फटाफट स्टार्ट करेंगे. आपको पता है एज यू नो आज का सेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. साक्षी वेरी गुड इवनिंग. जी रामा वेरी गुड इवनिंग. ठीक है जी, तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. आज जो है हम लोग सुबोध गुप्ता, जो भारतीय क्या है, इंस्टॉलेटर है. इससे पहले आई थिंक दिव्या आपने कहा था कि मैम इन दोनों को आपने साथ में कराइए, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन रहती है. किस किस में? विवान सुंदरम, जिनको हमने कल कवर किया है, और आज सुबोध गुप्ता. इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, बहुत मजे से समझेंगे. इनकी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको मैं एक करके आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी इनके बारे में कि ये बनाए क्यों हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है. मटेरियल ऑलमोस्ट जो है आपको सब में सेम ही मिलेगा. किस तरह से इनके जो इंस्टॉलेशंस हैं वो इतने ज़रूरी हैं, इतने अलग क्यों हैं, अगर इनकी कुछ अच्छाइयां हैं, लोग इनको पसंद करते हैं, तो कुछ लोग जो हैं इनकी जो है लेग पुलिंग भी करते हैं इस चीज को लेके, वो भी एक एक करके सब चीज देखेंगे. ठीक है जी, करेंगे क्या, पहले इसका कंटेंट डिटेल से देखेंगे और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे. ठीक, बिल्कुल गौरी, यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रेपरेशन बिल्कुल कराते हैं, एकदम डिटेल क्लास चल रही है जी. सॉरी गाइस, आज थोड़ा सा कॉर्ड में प्रॉब्लम है. वेरी गुड इवनिंग. चलिए तो आज का सेशन फटाफट स्टार्ट करेंगे. जो हमारी क्लास की परंपरा है, जो बच्चे क्लास में नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे. यहाँ पर आपको क्या है, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे. आज आपके लिए कोई भी पीडीएफ अपडेट नहीं किया गया है. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि राजस्थानी शैली जिसको हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी हम उप शैलियां हैं इनका पीडीएफ मैं आपको एक साथ दूंगी, एक ही पीडीएफ में, एक ही फाइल में. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा, पूरा मटेरियल आपको इकट्ठा मिल जाएगा. ठीक है जी, तो ये क्या है, टेलीग्राम लिंक है,
यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और इसके साथ साथ ये जो कोड दिया गया है इसको स्कैन करेंगे तो भी आप सीधे सीधे हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें तो सुबह 9 बजे से ही हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। 9 बजे संजय सर रहते हैं लाइव टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस के लिए। उसके बाद 10 बजे से मलिक सर लाइव रहते हैं हिस्ट्री के लिए। 11 बजे बायोलॉजी के लिए प्रियंका मैम लाइव रहती है। 12 बजे अदिति मैम इंग्लिश के लिए लाइव रहती है। 1 बजे पूनम मैम जो है ये आपके इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेती है। 6 बजे विप्लव सर हैं, ये टीजीटी पीजीटी के लिए क्या है साइकोलॉजी की क्लासेस लेते हैं, 6 बजे से लाइव रहते हैं। 7 बजे से प्रशांत सर हैं, स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस लेते हैं। 8 बजे से हम लोग रोज लाइव रहते हैं, अभी भी लाइव है। और हमारे बाद जो है ज्ञानेंद्र सर मैथ की क्लासेस आपकी लेंगे, यानी कि सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक फुल ऑन आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। आज का सेशन फटाफट स्टार्ट करेंगे। ऐशा वेस्टर्न आर्ट, देखिए मैं तो कोशिश ये कर रही हूँ कि मंडे से स्टार्ट करें, लेकिन फिर ध्यान आया कि भाई तीसरे हमारे पास जो है अनीश कपूर बचे हैं, ठीक है उनको भी कवर कर ही लेते हैं क्योंकि उनकी भी कृतियां कुछ मिलती जुलती हैं। करेंगे क्या, जब इस तरह से पढ़ते हैं तो चीजें आपको याद रहती हैं, याद नहीं रहती अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक। इसके बाद से हम एकदम से पश्चिमी शैली आरंभ करेंगे। अगर बीच में जो हमारे अभी समकालीन कुछ चित्रकार जो इस समय कार्य कर रहे हैं अगर उनके बारे में हम बात करेंगे तो उनको हम बीच बीच में एक एक दो दो करके उनकी भी क्लासेस लेते रहेंगे फॉर अ चेंज, ठीक है। और उससे होगा क्या कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे हमारे जो कुछ कार्टूनिस्ट हैं थोड़ा सा हमने इनको कवर किया है, जब हमारी जो है पूरी हमने समकालीन जो कलाकारों की इकट्ठी क्लासेस ली थी वहां पे हमने देखा था, लेकिन एक बार करेंगे क्या इनको भी डिटेल में देखेंगे। मुख्य रूप से जो 3 कार्टूनिस्ट हैं हमारे जो काफी बड़े भारतीय कार्टूनिस्ट हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, और इसके साथ साथ जो है जैसे ग्राफिक कलाकार हैं उनको कवर करना है अभी। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम क्या कर सकते हैं जी, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इनको भी हम साथ साथ में करते जाएंगे। और बाकी जो है मंडे तक आपकी क्लासेस पब्लिश है, उसके बाद क्या है हम लोग पश्चिमी शैली आरंभ करेंगे, ठीक। सर्वेश, यूपी के कलाकार भी देखिए ऐसे तो कराए हैं, काफी सारे कलाकार हैं। स्पेसिफिक अगर हम बात करें, अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे ये डिटेल क्लासेस चल रही हैं यानी कि पूरा एकदम निचोड़ वैसी क्लासेस कराई जाएं, क्योंकि देखिए जो यूपी से आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यूपी से हमारे जितने भी कलाकार हैं ये अप्रोक्सीमेट अगर आप लोगों ने पहले क्लासेस नहीं ली हैं तो जहां पर समकालीन चित्रकारों की चाहे हम बात करें चाहे हम मूर्तिकारों की बात करें, जहां पे टॉप 25 टॉप 30 जो इस तरह के सेशन आपके चले हैं वहां पर भी मैंने इनकी डिटेल आपको बताई है, मुख्य रूप से उनको दिखाया भी है, तो आपको चीजें वहां पे समझ में आ जाएंगी कि इनसे रिलेटेड जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ट्रेंडिंग वो किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। आज का सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, वेरी गुड इवनिंग पूनम, अभिषेका, दिव्या, स्वदेश, स्वप्निका, ठीक है जी। तो आज की हमारी पर्सनैलिटी जिनको हम देखने वाले हैं, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं, वो कौन है? सुबोध गुप्ता है। पढ़ाई नहीं करेंगे, मजे मजे से चीजों को समझेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है जी। क्या करेंगे, देखेंगे इन्होंने किया क्या क्या है, बस ये देखेंगे, इनकी कहानी को जानेंगे, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति है जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे बिहार के एक छोटे से कस्बे से निकले थे, प्रारंभिक जीवन थोड़ा ठीक ठाक था, उसके बाद काफी स्ट्रगल किया, और उस स्ट्रगल की कहानी जो है इनकी वो अपने आप अपनी कहानी बताती है कि मैंने किस तरह से स्ट्रगल किया और उसके बाद ये जो आज अचीवमेंट इनको मिली है। और वो अचीवमेंट क्या है, एक व्यक्ति जो कई सालों तक दिल्ली में संघर्ष करता रहा, छोटे से कस्बे से निकला, पिता का साया सर से उठ गया, माता ने जो इनकी माता का संघर्ष है वो इनके लिए रहा, उसके बाद जी दिल्ली तक पहुंचे, पढ़ाई की, ठीक है। यानी फैमिली से ऐसा नहीं है कि जी इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी बहुत खराब थी, ऐसा भी नहीं था, लेकिन तब भी स्ट्रगल करना पड़ा, दिल्ली तक पहुंचे, बहुत समय तक स्ट्रगल किया, और उसके बाद आज इनकी गिनती 2000 अगर हम 6 की बात करेंगे उसके बाद से आज तक 2022 तक की बात करें तो भारत के जो सबसे महंगे कलाकार हैं उन टॉप 5 जो कलाकार रहते हैं, टॉप 5 आर्टिस्ट जो हैं जो भारत के सबसे महंगे कलाकार हैं, उनमें ये 2006 से आज तक बने हुए हैं। ये इनकी जो कहानी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सेल्फ मेड मैन हैं। इनके साथ अगर हम राम किंकर बैच की बात करें, MF हुसैन सर हैं उनकी बात करें, RS सर हैं उनकी बात करें, और उसके बाद अगर आज की अगर हम बात करें, आज के टाइम की बात करें, विकास भट्टाचार्य जी हैं उनकी बात करें, सुबोध गुप्ता एक और कलाकार जो है लाइन में जुड़ गए हैं, ये वो कुछ पर्सनैलिटीज हैं भारतीय कला जगत की जो सेल्फ मेड मैन है, जिन्होंने अपना स्थान अपनी मेहनत से बनाया है। इनकी कृतियों की बात करेंगे, इनकी कृतियों को अगर आप एक बार देख लेंगे
भूल ही नहीं पाएंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इन्होंने जो कृतियां बनाई हैं, इनके पीछे भी आप देख पा रहे हैं, आपको पानी की जो गागरें हम लोग कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, तो यानी कि जो सिर्फ बर्तन है, जो किचन में बर्तन यूज किए जाते थे, सिर्फ और सिर्फ उसको माध्यम बनाकर इन्होंने अपने सारे के सारे जो संस्थापन कलाएं हैं, कृतियां हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनको बनाया है। क्या यूज किया है? सिर्फ और सिर्फ किचन के बर्तन। ठीक है जी, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। सुबोध गुप्ता, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो इनका जन्म 1964 में बिहार का एक बहुत छोटा सा कस्बा था, नाम है खगोल, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ, इनके पिता बहुत खुश थे जब इनका जन्म हुआ। अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें, इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, तो सब कुछ ठीक ठाक था। पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, उस समय इनके गांव में आधे से ज्यादा गांव जो था रेलवे में सरकारी नौकरी करता था, आधे से ज्यादा गांव, अगर खगोल गांव की बात की जाती है, उसी में इनके पिताजी भी आते थे, ये रेलवे में गार्ड की जॉब करते थे, सरकारी नौकरी थी, परिवार बहुत बड़ा नहीं था, छोटा परिवार था, तो भरण पोषण आराम से चलता था, एक सिक्योर लाइफ थी कि पिताजी की गवर्नमेंट जॉब है तो काम कैसे कैसे चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, इनके पिताजी इकलौते इनके यहाँ पर कमाने वाले थे। जब ये 12 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु होगी, जब इनके पिता सिर्फ और सिर्फ 40 साल के थे। ठीक है जी, अब पिता की मृत्यु होगी तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है इनकी माता पर आ गई। इनकी माता जो क्या है, जो एक किसान परिवार से बिलोंग करती थी, अगर हम यूपी और बिहार की बात करते हैं ना, जैसे हम अपनी भी बात करें, आप में से कई लोग होंगे, खूब सारी जमीनें हैं भाई, सबके पास है, हमारे पास भी, आपके पास भी है, खाने पीने की टेंशन नहीं होती है, कैसे न कैसे चला रहता है, अनाज इतना हो जाता है। ठीक है, तो बिहार से है, वही कहानी इनके साथ भी है। सॉरी गाइस, हाँ ठीक है जी, तो वही कहानी इनके साथ भी है। लेकिन जब पिता का साया सर से उठ गया और सारी जिम्मेदारी माता पर आ गई, तो कहीं ना कहीं घर और बाहर दोनों काम काम चाहे जमीन की बात करें, जमींदारी की बात करें, वो भी इनको देखना पड़ता था। तो हुआ क्या कि इनकी माता जो कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा इनके पिता के जाने के बाद बहुत दुखी भी थी और अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को कुछ समय के लिए अपने भाई के पास, यानी कि इनके मामा के पास, इनके ननिहाल भेज दिया। कुछ साल ये अपने मामा के यहीं पे रहे, यानी हम कह सकते हैं कि 12 से 14-15 साल तक ये वहीं पर रहे, 12 साल के बाद से। उसके बाद अगर प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, तो इनके पिता की मृत्यु से पहले ही प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी इटसेल्फ खगोल से ही शुरू हो गई थी। प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें, कुछ समय के लिए जब अपने ननिहाल गए तो वहां पर इनका एडमिशन कराया गया, स्कूल नहीं छूटा जी इनका, लेकिन जब ये अपने ननिहाल गए तो वहां से जो इनका स्कूल था वो काफी दूर था, वहां पर इनको लाइफ का जो स्ट्रगल होता है वहां से इन्होंने चीजों को समझना शुरू किया। अभी तक जो पिताजी जो जॉब करते थे, नौकरी करते थे, तब तक शायद ये चीजें इन्होंने नहीं देखी थी। जब वो अपने मामा के यहाँ पर गए तो इन्होंने देखा कि स्कूल जो है कुछ 1-2 किलोमीटर दूर है, सुबह सुबह पैदल जाना पड़ता है, वापसी में पैदल ही आना पड़ता है। वहां पर इन्होंने देखा कि स्कूल के आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पाँव में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, रोज ऐसे ही जाते हैं। उन लोगों में ये भी थे, इनके पास पाँव में चप्पल थी लेकिन पैदल तो चलना ही पड़ता था, जो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ था अब ये फेस कर रहे थे। इनके मामा हमेशा इनके साथ रहते थे। ये अपने बारे में बताते हैं, इनके जो कई इंटरव्यू हैं, आपने देखा होगा कई इंटरव्यू जो है बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं उनके इंटरव्यू छपते हैं, लेख सॉरी जो लेख है जब वो छपते हैं, तो वो इंटरव्यू इनके कुछ मैंने भी पढ़े हैं, उसमें इन्होंने अपने बारे में बताया है कि जब ये स्कूल जाते थे तो रास्ते में जब ये थक जाते थे कई खेत बीच में पड़ते थे, और उन खेतों में जो चने लगे होते हैं, बिहार और यूपी में ये चीज हमने देखी है, कॉमन है, तो कह रहे थे कि हम लोग कहते थे कि हम लोग बैठ के वो चने खाते थे, पता नहीं था कि खेत किसके थे लेकिन चने हम लोग खाते रहते थे निकाल निकाल के, आराम किया उसके बाद फिर चलते थे। उस साल तक ये कहानी रही, उसके बाद क्या हुआ, वापस आगे खगोल यहीं पे दोबारा से इनका एडमिशन कराया गया। अब जैसे ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खत्म की तो इनके गांव में ही जो खगोल गांव था वहीं पे ही एक छोटा सा थिएटर ग्रुप था, इन्होंने वो ज्वाइन कर लिया। अब थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया तो भाई एक्टिंग तो जरूर करेंगे, तो वहां पे एक अभिनेता के तौर पे भी इन्होंने काम किया, यानी कि एज एन एक्टर स्टेज पे इन्होंने परफॉर्म किया।
कुछ वहां पे नाटक इन्होंने लिखे भी हैं, परफॉर्म भी किए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने वहां पर जो वो ये परफॉर्मेंसेस वहां पे देते थे, इनसे रिलेटेड जो पोस्टर्स होते थे, क्या है पोस्टर्स होते थे, ठीक है जी, ये उन पोस्टर्स को पेंट करते थे, उन पोस्टर्स को बनाते थे। कहीं ना कहीं इनको धीरे धीरे अब समझ में आ गया कि मुझे कला के एक क्षेत्र में ही जाना है। अब अगर हम कला कलाकार की बात करें तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे अभिनय करना है। इन्होंने ये, इनके दिमाग में अब ये था, अंदर कहीं एक चित्रकार था, अंदर एक आर्टिस्ट था, तो क्या किया इन्होंने, अब अपना एम बना लिया कि भाई इनको कला के क्षेत्र में ही जाना है, आगे इनको फ्यूचर में जो भी अपना फ्यूचर बनाना है वो कला के क्षेत्र में ही बनाएंगे। और इसके लिए, इसके बाद इन्होंने कला की शिक्षा आरंभ की। कला की शिक्षा इन्होंने 1983 से 1988 के बीच में, इन सालों में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है, कला और शिल्प कॉलेज पटना से। कहाँ से जी, पटना गए, वहां पर इन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन की इन्होंने डिग्री अपनी पूरी कंप्लीट की और कला के क्षेत्र में ही कंप्लीट की। अब जैसे ही इनको अपना, इन्होंने स्नातक वहां से पूरा कर लिया, उसके बाद रुख कर लिया दिल्ली की तरफ, क्योंकि अगर हम उस समय की बात करेंगे ना, 1980s का प्लस का जो समय था, यानी 1990s तक का जो समय था, उस समय दिल्ली में ही सारे कलाकार थे, सबका हुजूम वहीं पे रहता था। अब इन्होंने भी रुख कर लिया दिल्ली की तरफ, दिल्ली चले गए। वहां पर दिल्ली में कई सालों तक इन्होंने संघर्ष किया, दिल्ली में काफी सालों तक इन्होंने संघर्ष किया, कोई जानने वाला नहीं था, किसी के पास रुक नहीं सकते थे, कैसे कैसे करके स्ट्रगल करके इनका वहां पर जीवन यापन चल रहा था, कार्य भी कर रहे थे साथ साथ में। इनका करियर की शुरुआत होती है 1999 में। अब आप सोचिए, एक इतना लंबा समय जब ये सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां पर जो है ये अपनी कला का प्रदर्शन कर पाए। इनको वो प्लेटफॉर्म मिलता है 1999 में। ये फुकुओका कला संग्रहालय है, और यहाँ पे फुकुओका एसोसिएशन जो है ये आर्ट ट्रिनाले की एक एग्जीबिशन कराती है 1999 में। और उसके बाद 2000 में भी ग्वांगजू बिनेले है, यहाँ पर भी एक एग्जीबिशन होती है। यानी ये दोनों एग्जीबिशंस हैं, और यहाँ पे इन दोनों एग्जीबिशंस में इनको जो इनकी कला थी, इनकी जो कृतियां थी, इनको दिखाने का, इनका प्रदर्शन करने का वहां पर मौका मिल जाता है। लेकिन उसके बाद होगा क्या? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है रंजना जी। ये कुछ समय से है, कुछ 1 वीक से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है जी। अब हुआ का क्या, करियर की स्टार्ट तो होगी 1999 और 2000, आपको कहानी पता चल गई जी कि पहली जो है इन्होंने, पहली इनकी फर्स्ट और सेकंड एग्जीबिशन जो है यहाँ पर शुरुआत हो गई है। कला जो है इनकी, जो इनके इंस्टॉलेशंस थे वो इन्होंने कार्य दिखाना यहाँ पर आरंभ कर दिया। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इनके जो कार्य थे, इनकी जो कला थी, इस तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, यानी कि इनकी कला अपनी तरफ लोगों को आकर्षित नहीं कर पाई। अब इसके बाद हुआ क्या जी, अब ये वापस आ जाते हैं दिल्ली, अब एग्जीबिशन के बाद। लेकिन दिल्ली में खोज स्टूडियो है, ठीक है, दिल्ली में खोज स्टूडियो है, और ये इनके संपर्क में आते हैं। जब इनके संपर्क में आते हैं तो यहाँ से इनकी लाइफ जो है धीरे धीरे, जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ है, ये अब करवट लेना आरंभ कर देगी। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि खोज स्टूडियो है कहाँ पर है। खोज स्टूडियो दक्षिण दिल्ली में, जो मोदी नगर है वहीं पर, अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें तो ये मोदी नगर में दक्षिण दिल्ली में ही है। पहले इन्होंने रेंट पे एक जो है स्ट्रक्चर, यानी कि एक इमारत को लिया था, उसके बाद 2012 के बाद से इन्होंने अपनी इमारत वहां पे ले ली है। खोज स्टूडियो जो है इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। कब हुई थी जी स्थापना इसकी? ठीक है जी, इसकी स्थापना जो है 1997 में नई दिल्ली में की गई थी, और ये एक गैर लाभकारी संस्था है। इन लोगों का मुख्य कार्य क्या है, ये एक पूरी टीम है, इनका मुख्य कार्य ये था कि जितने भी नए कलाकार आते हैं, यानी अगर हम आम बोलचाल में बात करें तो जो स्ट्रगलर्स थे, ये उनकी बड़ी हेल्प करते थे, उनको कहीं ना कहीं जी मंच प्रदान करते थे। इनके यहाँ पे कई आर्ट की वर्कशॉप लगती हैं, वहां पर इनको थोड़ा बहुत ट्रेंड किया जाता है। हर जगह, हर क्षेत्र के जो कलाकार हैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से चीजें सीखते हैं, और उसके साथ जो है इनकी एग्जीबिशन जो है लगाई जाती है, इनको मौका दिया जाता है कि अपनी कला का प्रदर्शन जो है अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर कर पाए। आज की डेट में अगर बात करेंगे, उस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय ये छोटी सी संस्था थी। अगर आज, अभी एट प्रेजेंट बात करें तो आज की डेट में ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन बन चुकी है आर्टिस्ट की, ठीक है, इंटरनेशनल
आर्टिस्ट एसोसिएशन बन चुकी है और आज की डेट में यहाँ पर हम हर समय अब जब भी जाएंगे यहाँ पर दुनिया भर के बड़े से बड़े कलाकार जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये एक ऐसी आर्टिस्ट एसोसिएशन बन चुकी है, मुझे लगता है कि शायद महीने में एक या दो एग्जीबिशन इनकी लगा ही करती हैं, वर्कशॉप इनकी हमेशा चलती रहती हैं। जो अगर इनके स्टूडियो की बात करें, बहुत बड़ा स्टूडियो है, नाम के लिए स्टूडियो है लेकिन एक काफी बड़ी इमारत है। अभी भी रिसेंटली करंट में इसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। अभी भी अगर रिसेंटली बात करें तो अभी भी 15th of October को यहाँ पर लास्ट एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज कराई गई है, जो अभी हमारे पास ऑनलाइन अपडेट्स है। अगर इस बीच में कोई और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई होगी तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हर 10-15 दिन में कोई ना कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई जाती है, और ये छोटी मोटी एग्जीबिशन नहीं होती है, बड़े बड़े जो कलाकार है उनकी एग्जीबिशन होती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जब ये जो खो स्टूडियो है इसके साथ जब जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर अब इनको कई मौके मिलेंगे एक के बाद एक। यानी 2002 में न्यूयॉर्क में आर्मरी शो में इनकी जो एग्जीबिशंस है, इनकी जो कला है उसको दिखाया जाता है। उसके बाद 2005 में फ्रीज, ठीक है, फ्रीज क्या है, ये इनकी एक कलाकृति है, मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी। इसके साथ 2006 में आर्ट वेसल में भी इनकी जो कलाकृतियां थी या इनकी जो इंस्टॉलेशन थी उनको दिखाया गया। एक के बाद एक एग्जीबिशंस में, वो भी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में इनको मौके मिल रहे थे अपनी जो कलाकृतियां हैं उनको दिखाने का, लेकिन इनको वो सफलता, वो जो है रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही थी जो इनको मिलनी चाहिए थी। रीजन क्या था? रीजन शायद ये था कि कहीं ना कहीं इनका जो वर्क था उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही कमी रह जा रही थी। अगर हम बात करें जैसे फ्रीज की बात कर रहे हैं, उस समय पर ये इतनी लोकप्रिय नहीं रही, लेकिन बाद के समय में, कुछ सालों के बाद में इसी को ही जब दूसरी जगह पे एग्जीबिशंस में दिखाया गया तो इसको बहुत लोकप्रियता मिली। तो मुझे लगता है कि ये कुछ स्टार्स और कुछ समय भी होता है, जो आपका स्ट्रगल पीरियड है उसके एक टाइम के बाद जब आपको सफलता मिल जाती है तो उसके बाद क्या है, व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो यही इनका वो स्ट्रगल फेज था जो काफी लंबे समय तक चला। अब इसके बाद बात करेंगे 2006 की, सीधा सीधा 2006 में अब यहाँ पर इनका जो करियर था वो एकदम करवट बदल लेता है। यानी कि पहले क्या है, पहले तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, एक प्लेटफॉर्म मिला फिर थोड़े दिन वेट करना पड़ा, उसके बाद कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म मिलते गए लेकिन वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। अब इनको वो रिकॉग्निशन मिलता है इनकी एक नई कलाकृति, एक नई इंस्टॉलेशन जिसको ये बनाते हैं, वेरी हंग्री गॉड। क्या था? वेरी हंग्री गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको आप लोग देखेंगे। 2006 में इन्होंने इसको बनाया था, एक फ्रांसीसी जो आर्ट कलेक्टर हैं और ये एक बिजनेसमैन भी हैं, उन्होंने इनकी इस कृति से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने इनकी इस कृति को खरीद लिया। कृति की क्या, पूरा एक इंस्टॉलेशन है, काफी बड़ा है। बात करेंगे इसको, इन्होंने जो हम लोग एल्यूमिनियम स्टील के जो बर्तन होते हैं उसको पूरा कंपाइल करके बनाया गया है। इट्स लाइक जैसे ह्यूमन खोपड़ी जो होती है, ठीक है, स्कल्पचर जो होता है उसी का, जो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसी शेप का इन्होंने बनाया है, और इसको इन्होंने खरीद लिया। और इसका वजन है कम से कम 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा, ठीक है, 1000 किलोग्राम से ज्यादा इसका वजन था, और इन महर्षि ने इनको खरीद लिया, यानी कि इनकी इस इंस्टॉलेशन को खरीद लिया। और उसके बाद से सुबोध गुप्ता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, इनको जो रिकॉग्निशन जिसका ये इंतजार कर रहे थे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इनको मिल चुका था। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड इनका नाम जो है एक अलग तरह की कला के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि जब आपकी कोई भी कृति जो है एक ह्यूज अमाउंट में बिकती है और उसके बारे में इतनी बात की जाती है कि भाई इस कृति में कुछ तो बात होगी जो इतनी महंगी है गई, ठीक है। आज हम या आप लोग, मैंने आपको कई ऐसी सारी पेंटिंग्स दिखाई हैं जिनमें समझ नहीं आता कि इनमें है क्या, लेकिन उसके बाद भी अगर उनकी कॉस्ट की बात करते हैं तो लैक्स में उनकी कॉस्ट होती है, लेकिन अगर इनकी कृति की बात करेंगे तो वो दिखाई देती हैं शेप्स वहां पर। अब अगर इनसे बात इनके बारे में बात करें कि अभी अब इन्होंने 2006 में जो सफर शुरू किया वो आज तक जारी है, यानी कि जो हम बात कर रहे थे कि भारत के जो सबसे महंगे कलाकार हैं ये आज भी उस लिस्ट में टॉप पर या 2, 3, 4, 5 में बने रहते हैं। अब ये कृति आपके सामने है, वेरी वेरी हंग्री गॉड। अब इसको इन्होंने बनाया क्यों? चलिए, क्या है जी, क्या आपकी भारती, खैर उनके बारे में भी अक्सर बात करेंगे, इनकी वाइफ है एक्चुअली वो जी।
ठीक है जी, भारती खेर, जिनके बारे में हमने करंट क्लासेस में पढ़ा था, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक बात करें ना, यहाँ पे सिर्फ एक कोई पर्सन नहीं है, इनका नाम आता है, इनकी वाइफ है, ये एक पूरी टीम है, ठीक है, ये एक पूरी टीम है। इसके बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपसे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जी, देखिए वैसे हम जैसे अगर इंडिया की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फेमस है वो सैफरन ही है। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे, जो नीलामी घर की आप बात कर रही हैं, वो सैफरन है इंडिया का सबसे बड़ा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्शन कराता है पेंटिंग्स की। अभी भी चेक करेंगे आपको सबसे ज्यादा पेंटिंग्स जो है वहीं पे मिल जाएंगी, किसी भी कलाकार की, अगर आपने देखनी होगी, ठीक है। इस बारे में भी बात करेंगे। ये ग्लास से नहीं बने दिव्या, ये ग्लास से नहीं बने हैं। अच्छा, ये इसकी कृति की बात कर रही हैं आप? नहीं, ग्लास भी आपको ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, हर तरह के बर्तन है इसमें, बाल्टियां ज्यादा हैं, ये आपको दूर से दिखाई दे रहा है इसलिए आपको एक ग्लास दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है पे बाल्टियां हैं, ठीक है, बाल्टियां हैं, कढ़ाइयां हैं, डोंगे हैं, हर तरह के बर्तनों का इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा देर से थोड़ा डिटेल से समझते हैं। इनके जो चित्र बने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, हाँ, लेकिन एक चीज है कि इन्होंने चित्रों में भी बर्तन ही बनाए हैं, ठीक है, ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, मुंबई की क्या है ये, सैफरन आर्ट जो है, ये मुंबई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मुंबई की है, बिल्कुल सही कह रहे हैं गोल्डी। चलिए ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अब इसके बाद आपकी जो क्वेरीज है इसके बाद लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज है, जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन चलाएंगे उस समय आप पूछते जाइएगा, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा समय हमारा बच जाएगा, है ना, एक थोड़ा लिंक बीच में टूट जाता है, ठीक है जी। चलिए अब बात करेंगे वेरी हंग्री गॉड। अब ये कहते हैं, जब इनसे पूछा गया कि भाई आपने यहाँ पर एक खोपड़ी नुमा चीज क्यों बनाई है, तो ये कहते हैं कि अगर हम भारत की बात करें, यहाँ की मार्केट की बात करें, मैं भी किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, ये सीधा सीधा कंपनीज का नेम लेते हैं, फला कंपनी है, स्टील की फला कंपनी है, फला कंपनी है, इन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, कहीं ना कहीं जो है ये भारतीय जो संपदा है उसको लूट रहे हैं, किसके साथ मिलकर, जो हमारी भारतीय केंद्र सरकारें हैं, इसी तो उन पर ब्लेम लगाते हैं, अभी की बात नहीं, कुछ साल पहले की बात है, जब इन्होंने कृतियां बनाई थी उस समय की बात है, काफी सुर्खियों में रहे थे इनके इंटरव्यू, तो वो जो है अपने इस कृति के बारे में कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है, जो हमारी पारंपरिक बर्तन है, यानी कि अगर हम बात करें जैसे मिट्टी के हैं या कुछ और भी है, वो उनका भी प्लेस जो है होना चाहिए कहीं ना कहीं। यहाँ पे स्केलेटन को उन्होंने दिखाया था कि भाई ये पूरे के पूरे जो है मार्केट को खा जा रहे हैं, इनका कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि ये अपनी मातृभूमि से ज्यादा जुड़ाव रखते थे। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बर्तनों की, यहाँ पे दो फेसेस में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है कि एक तो इन्होंने सीधे सीधा कंपनीज की बात की थी, और दूसरा जो है इन्होंने बताया है कि इन्होंने अपनी माता के साथ एक ज्यादा समय बिताया था, इनके पिता की मृत्यु के बाद कुछ समय जब ये अपनी माता से दूर रहे, उसके बाद जब ये वापस आते हैं, तो एक इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो इनके लिए बहुत स्पेशल था, इन्होंने अपनी माता के साथ वो जो प्रेशियस समय बिताया है, या तो वो खेत खलियानों में था, उनको या तो बाहर काम करते हुए देखा है, या तो घर में किचन में काम करते हुए देखा है, तो ये जो बर्तन है उनको उनकी याद दिलाते हैं। तो ये दो तीन चीजें थी जो उनसे लिंक्ड है, जो वो अपने बारे में बताते हैं, जो स्पेशली मैंने इनके इंटरव्यूज में पढ़ा है, जो इनके लेख हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये अगर हम स्केलेटन की बात करें, ये भारत में नहीं बल्कि सबसे ज्यादा ये लोकप्रिय रही वेस्टर्न जो हमारा कल्चर है, बाहर के जो लोग हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि जब हम क्रिश्चियन जो धर्म है उसकी बात उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, वहां पे ये जो खोपड़ी है इसको मृत्यु से रिलेट किया जाता है, कि ये मृत्यु को रिप्रेजेंट करती है, और ये क्या है, ये एक सत्य है कि कोई भी व्यक्ति है जो उसको बाद में यहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो इसके लिए भी जो है ये वहां के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था, जिन्होंने खरीदी थी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई इसलिए भी ये ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड समझ में आ गया, इसके निर्माण के पीछे ये कहाँ से इंस्पायर हुए, कैसे इन्होंने बनाई, क्या क्या चीजें हैं। अब अगर इनकी इंस्टॉलेशन की बात की जाती है, एक एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं, एग्जाम्पल दिखाया भी, क्यों, क्योंकि जहां से जो है एक हिट पॉइंट है, या आप कह सकते हैं कि जहां से इनका जो कैरियर ग्राफ है वो सीधा बढ़ना शुरू हो गया, वो हमने देख लिया। अब इसके बाद जब इनसे पूछा गया कि भाई आपका माध्यम जो है, आप किस तरह के इंस्टॉलेशन के कार्य करते हैं, तो अगर इनके हम माध्यमों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ उसमें बर्तन है, या तो आपको स्टील के बर्तन मिलेंगे, पीतल के बर्तन भी मिलेंगे, और कुछ एक जो इनकी इंस्टॉलेशंस है उसमें इन्होंने तांबे के बर्तनों का भी प्रयोग किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बर्तन ही मिलेंगे। अब उसमें कैसे बर्तन है जी, टिफिन बॉक्स आपको मिल जाएंगे स्टील के, थाली प्लेट, गिलास, साइकिल का इन्होंने प्रयोग किया है,
बुलेट का इन्होंने प्रयोग किया है, स्कूटर का इन्होंने प्रयोग किया है, चावल की जो बोरियां हैं उसका इन्होंने प्रयोग किया है, गोबर, गाय का गोबर है उसका इन्होंने प्रयोग किया है। यानी जो जो चीजें जो इनको इनके गांव की इनके बचपन से जोड़ती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपनी माता के साथ खेतों में जाते थे, इन्होंने वो अनाज देखा है, इन्होंने वो बोरियां देखी हैं, उन बोरियों को इन्होंने यूज किया है, कहीं ना कहीं ज्यादातर जो बोरियां हैं उस तरह का जो पैटर्न है इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है पीछे बैकग्राउंड में। और उसके साथ जो है गोबर का इन्होंने प्रयोग किया है, ये कहते थे कि मैंने अपनी माता को, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो मैंने ये कार्य करते हुए देखा है, किचन में देखा है, कहीं ना कहीं रिलेट करते थे। और ये हमेशा कहते थे अपनी जो इनकी कलाकृतियां हैं कि मुख्य कारण यही है कि ये सब वो चीजें हैं जो मेरी कला में आपको दिखाई देती हैं, जो मेरे बड़े होने के तरीकों का हिस्सा थी। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो बड़े होते गए और बड़े होने के साथ साथ उन्होंने अपनी माता के साथ शायद जो कार्य भी किए हैं जिनमें जो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग करती थी, वो कहीं ना कहीं इनके जीवन का हिस्सा थी। और जैसे जैसे ये बढ़ते गए यानी कि एज के हिसाब से, तो वो चीजें इनके लिए बहुत खास थी और वही चीजें आपको इनकी कृतियों में भी दिखाई देंगी। अब इसके बाद सीधे सीधे बात करेंगे जी सुबोध गुप्ता के जो इंस्टॉलेशंस हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे तो इनके बहुत सारे इंस्टॉलेशंस हैं, लेकिन इसके साथ भी अगर हम बात करेंगे जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें फेथ मैटर्स है, वेरी हंग्री गॉड है, इसको आप देख चुके हैं, एवरीथिंग इज इनसाइड, ये एक बोट नुमा जो है एक बोट बनाई गई है, उसमें काफी सारे बर्तन इन्होंने दिखाए हैं, एवरीथिंग इज इनसाइड इसको कहा गया है। उसके साथ साथ यूएफओ है, और ये प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछा गया है यूएफओ वाला कि सुबोध गुप्ता की जो कृतियां हैं इनमें से कौन कौन सी है, तो उसमें एनएफओ लिखा गया था, एसएफओ बताया गया था, यूएफओ बताया गया था, और एक आध ऑप्शन कोई और था, तो उसमें क्या है, यूएफओ इनकी कृति है। बरगद का पेड़, या इसको बौद्धि वृक्ष भी कहा गया है, क्या है, बौद्धि वृक्ष भी कहा गया है। तो ये क्या है, बरगद का पेड़ या बौद्धि वृक्ष इनकी ही कृति है, ये भी आपको याद रखना है, ये सेम एक ही चीज है। इसके साथ साथ जो है नियंत्रण रेखा यानी कि कंट्रोल लाइन, क्या था, कंट्रोल ऑफ लाइन जो है इसको कहा गया है नियंत्रण रेखा, माई मदर एंड मी, ये कृति जो है इनकी काफी फेमस रही थी, ये भी इन्होंने अपनी माँ को डेडिकेट की है, या अपने और अपनी माँ का जो इनका रिलेशनशिप था उसको इन्होंने कहीं ना कहीं जो माध्यम थे यहाँ पे दिखाया है। इसके साथ साथ अरे यानी कि तरंग, ये भी इन्होंने एक कृति बनाई है, और वेन सो विम्स स्पेल्स, ये भी इनकी एक कृति है। इसके साथ जो इन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, ऐसे तो काफी सारी पेंटिंग्स हैं, लेकिन माई विलेज इनकी पेंटिंग जो है काफी फेमस रही है, और बिहारी, ये इनकी काफी फेमस पेंटिंग्स रही हैं। खासकर जब हम बिहारी की बात करते हैं, आपको एक चीज याद रखनी है, ये अपने आप को बिहारी कहलाना बहुत अधिक पसंद करते थे, और इसके साथ साथ ये अपने आप को, ठीक है, रेलवे बॉय कहलाना भी बहुत अधिक पसंद करते थे। ये दो चीजें इनको बहुत पसंद थी, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं ये चीजें इनको अपने गांव से, अपने जो परिवेश तौर से सोचते थे, इनको लगता था कि मैं उनके ज्यादा करीब हूँ, इसलिए इनको कोई अगर बिहारी या रेलवे बॉय कहता था तो इनको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है जी, अब करेंगे क्या, अब एक एक करके इन कृतियों को हम लोग देखते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, वेन सोक बिम्स स्पिल्स, ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी कृति आपके सामने है, यहाँ पर सुबोध गुप्ता जी बैठे हुए हैं, ये एग्जैक्टली कहाँ का व्यू है, तो ये लंदन में इन्होंने इस कृति को जो है स्थापित किया था, यहाँ भारत में भी इसको दिखाया है, लेकिन स्पेसिफिक ये जो इमेज है ये लंदन की है, लंदन स्टूडियो के बाहर जो है इसको इन्होंने इंस्टॉल किया था, वहीं पर आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी सी बाल्टी है, और ऐसा लग रहा है जैसे पानी, या पानी में मान लीजिए कोई झाग है, ओवरफ्लो हो रहा हो, और वो भी पूरा बर्तनों की शेप में इन्होंने दिखाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आपने ध्यान देना है। अब इसके साथ साथ ये रे है जो इनकी दूसरी कलाकृति है, दूसरा इंस्टॉलेशन है, यहाँ पर समझ लीजिए जो पानी की बाल्टी इससे पहले ओवरफ्लो हो रही थी, इससे पीछे, ठीक है, ये पानी की बाल्टी जो ओवरफ्लो हो रही थी इसको यहाँ पर इन्होंने उड़ेल दिया है। क्या है जी, इसका टाइटल है रे, ठीक, इसका टाइटल है रे यानी कि तरंग, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं पूरी बड़ी सी बाल्टी है, और वहां से पानी कुछ किस तरह से बर्तनों के रूप में ही नीचे गिर रहा है। यहाँ पर आपको कड़छी, कड़ाइयाँ, कुकर, प्लेट, छोटे भगोने, बाल्टियां, हर एक चीज जो है, हर एक बर्तन दिखाई देगा, वो भी कैसा, स्टील का, ठीक है जी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद बात करेंगे माई मदर एंड मी 1997, ठीक,
1997 माय मदर एंड मी, ये कृति इन्होंने 1997 में बनाई थी। बनाई कहाँ पर थी? बिल्कुल वहीं पर खोज स्टूडियो में सबसे पहले इन्होंने कृति बनाई थी 1997 में, जब उसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है जी? मोती नगर स्टूडियो में ही इसको इन्होंने बनाया था। लेकिन उसके बाद इन्होंने इसको दोबारा कहाँ पर दिखाया? तो 2014 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में इसको इन्होंने दोबारा प्रदर्शित किया था। और जब इन्होंने 2014 में इसको दोबारा प्रदर्शित किया, तब इनको यहाँ पर बहुत अधिक सराहना मिली। इससे पहले खोज स्टूडियो में 1997 में इन्होंने इसको बनाया है, वहीं पे इंस्टॉल किया था, वहीं पे इस इंस्टॉलेशन को बनाया था। इसमें है क्या है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर माई मदर एंड मी जो है, ये एक बेलनाकार यानी थोड़ा सा आप थोड़ा सा देखेंगे गुलाई में जैसा एक कमरा होता है, उस तरह से उस शेप में इन्होंने इसको बनाया था। और इसमें जो गाय का गोबर होता है उसके जो उपले बनाए जाते थे, अगर हम यूपी की बात करें यहाँ पर इसको कंडी कहा जाता है, ठीक है, मैक्सिमम कंडी ही कहते हैं उसको। तो उनको सबको क्या किया था, उन सबको इंस्टॉल कर करके इन्होंने इस पूरी रचना का पूरा इंस्टॉलेशन जो है इसका निर्माण किया था। और कहीं ना कहीं ये कहते हैं अगर इसका जो बेस है, जो इनके एकदम प्रारंभिक जो इन्होंने बनाई थी कृति, वहां पर नीचे राख फैलाई गई थी और उसके ऊपर गाय के गोबर से इस कृति को बनाया गया था। और ये कृति बिल्कुल आपके सामने है, ये इस तरह की इंस्टॉलेशन है। अब ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली की है, ठीक है, ये खोज की नहीं है। ये कृति जो आपके सामने है ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली की है, ठीक है जी। अब ये गाय के गोबर की जो कंडियां हैं उनको आप देख सकते हैं और किस तरह से पूरा एक बेलनाकार कमरे का रूप इनको दे दिया है। इसका टाइटल क्या है, माई मदर एंड मी, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक इनकी जो भी कला आएगी, जो मैंने आपको कहानी बताई कि अपनी माँ से अपने गांव के परिवेश से बहुत ज्यादा क्लोज थे, तो वो कहीं ना कहीं इनकी हर कला में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब इसके बाद बात करेंगे बिहारी, बिहारी जो इनकी कृति थी जो इन्होंने 1999 में बनाई थी, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो आधार है वहां पर उसको पूरा गाय के गोबर से लीप दिया था। हम लोग ये कहते हैं ना कि क्या करते हैं, जैसे हम लोग चौका बनाते हैं गाय के गोबर से, क्या करते हैं जमीन पे लीपते हैं उसको। तो इन्होंने क्या किया, बेस को पूरा उसको लीप दिया और उसी के बीच में इन्होंने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था और उस पर हिंदी से लिखा है बिहारी, ये है, ठीक है, ये है बिहारी जो इन्होंने 1999 में बनाई थी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो उसको पूरा गाय के गोबर से लीपा है और बीच में क्या है जी, इनका सेल्फ पोर्ट्रेट है जो इन्होंने अपने आप बनाया था। यहाँ पे आप बिहारी देख पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार से इनका बहुत ज्यादा जुड़ाव था, अपने क्षेत्र से बहुत ज्यादा जुड़ाव था। ये इनका जो मानना था, इनको लगता था कि अगर मेरा जो क्षेत्र है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ वो उस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकता, ना वो चीज मुझसे छूट सकती है, ना मुझसे अलग हो सकती है, ना मैं उससे अलग हो सकता हूँ, कहीं ना कहीं ये उसी को इन्होंने डेडिकेट किया था, ठीक है जी। अब इसके साथ लेकिन एक और चीज इनके बारे में कही जाती है, जो मैक्सिमम इनके लेख हैं और जो लोग हैं इतिहासकार हैं जो इनके बारे में लिखते हैं वो यही कहते हैं कि इन्होंने बिहार को जो एक भारत का नक्शा है उसको, बिहार को जो है इन्होंने हाईलाइट करा दिया था अपनी कृतियों के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात है कि बिहार की जनता है वही इनकी कला के बारे में नहीं जानती है, क्या है। तो ये एक जो है कुछ कंपेनिंग भी चली थी इन कृतियों को दिखाने के लिए, ताकि एटलीस्ट जिस क्षेत्र से जुड़े हैं वहां के लोग इनकी कृतियों के बारे में समझ पाए, ठीक है जी। चलिए ये भी आपको पता चल गया। अब इसके बाद है पोत में क्या है कि नदी नहीं है, ये कौन सी कृति है जी, ये हिंदी में यहाँ पे दिया गया है एवरीथिंग इज इनसाइड, ये कृति है जो इन्होंने 2012 में यानी कुछ साल आज से 10 साल पहले जो इन्होंने कृति बनाई थी। सबसे पहले इसको इन्होंने कहाँ पर इसको इन्होंने बनाया था, कोची म्यूजिरिस जो विनेले का वहां पर जो है एक पूरा वर्कशॉप नहीं कह सकते, इट्स लाइक एग्जीबिशन। तो ये क्या है, ये पूरा विनेले होता है, अलग अलग जगह के जो कलाकार हैं वो वहां पर आते हैं और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो वहां पर इन्होंने इसको बनाया था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्होंने बोट दिखाई है, डायमेंशन की बात करेंगे तो 70 फीट ये लंबी है, कम से कम 10.3 फीट ये चौड़ी है और 36 फीट जो इसके गहराई का क्षेत्र है, गहराई इन द सेंस कि चाहे हम लंबाई चौड़ाई कुल क्षेत्र को मिलाएं तो उसमें जो है
इन्होंने उसमें बर्तन, फैन है, साथ में कुर्सियां हैं, बिस्तर है, मछली पकड़ने वाले जाल हैं, ये सब उसमें भर रखे हैं। और ये हैं किस तरह के हैं, या फ्रेम्स हैं, ये सब इन्होंने भर रखे हैं स्टील के ही। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये इनकी बनाई हुई जो एक और इंस्टॉलेशन है, नाम है एवरीथिंग इज इनसाइड। लेकिन यहाँ पर अगर आप हिंदी में देखेंगे ना कि सब कुछ तो इनसाइड है, बाहर क्या है कि नदी नहीं है, नाव तो बना दी है लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरा ड्राइड एरिया है जी, नदी नहीं है। तो क्या है ये कृति, इनकी यही है। और इस कृति के बारे में कहते हैं कि सब कुछ जो है कहाँ पर है, सब कुछ यानी अगर हम बात करें मातृत्व की, बात करें किसी भी चीज की, बात करें भाई, सब कुछ अंदर ही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर बर्तन दिखाए गए हैं। अब इसके साथ जो कुछ इनसे रिलेटेड जो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। लेकिन अगर हम, जैसे भी हमने बात की कि इनकी कई जगह प्रदर्शनियां ऑर्गेनाइज कराई गई थी, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई गई थी बहुत जगह पे, अनगिनत। अभी रिसेंटली इनकी अप्रैल, आई थिंक अप्रैल में नहीं, अप्रैल ये जुलाई में, यस, इनकी लास्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई गई थी अभी 2022 में भी। ठीक है, इसको हम कब देखेंगे, इसको भी हम अभी जब करंट का हमारा सेशन चलेगा उसमें इसको हम देखेंगे। अभी आई थिंक अप्रैल में या सितंबर कुछ ऐसे ही जो है, अभी रिसेंटली ही इनकी एक एग्जीबिशन और ऑर्गेनाइज कराई गई थी, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद बात करेंगे जो इनकी एक और कृति है जिसका नाम है नियंत्रण रेखा। और ये नियंत्रण रेखा क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, 2008 में इन्होंने बनाया है। देखिए बनाया 2008 में है, लेकिन उसके बाद ये एक साल के बाद जो है ये, इसके बारे में ज्यादा बात की जा रही थी। ये जो नियंत्रण रेखा है यहाँ पर इन्होंने बर्तन और जो धूपदान होते हैं स्टील के उसका ज्यादा प्रयोग किया है। यहाँ पे इसको दिखाया गया है जैसे कोई ब्लास्ट का सीन होता है, ठीक है, उस तरह से इसको दिखाया गया है। ब्लास्ट के बादल जो एक धुएं का बादल बनता है, या तो ये बिल्कुल वैसा दिखाई देता है, या तो जैसे कोई मशरूम होता है उस तरह से ही दिखाई देता है। लेकिन इस कृति को ज्यादा रिकॉग्निशन कब मिली, जब 2009 में यूके में टेंट ब्रिटेन में टेट की जो त्रिवार्षिकी होती है, 3 साल में वहां पर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई जाती है हर 3 साल के बाद, अलग अलग जो है इंटरनेशनल लेवल की, अलग अलग देशों के जो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं यहाँ तक सिर्फ वही पहुंच पाते हैं। तो उसमें इनकी इस कृति को दिखाया गया था और वहां पर जो है इनकी इस कृति को बहुत अधिक सराहा गया। और अगर हम बात करें कि अभी एट प्रेजेंट ये इनकी बनाई हुई इंस्टॉलेशन कहाँ पर है, तो किरण नादर संग्रहालय कला में, जो संग्रहालय है वहां पर आप इसको आज भी देख सकते हैं। ठीक है जी, चीजें समझ में आई, चलिए, थैंक यू सो मच। नहीं, ये सब पेंटिंग्स नहीं है शालो, ये सब पेंटिंग्स नहीं है, ये सब इंस्टॉलेशंस हैं। आपको सामने चीजें दिखाई देंगे, इसी तरह की पूरी बोट बनी है, ये पेंटिंग्स नहीं है। इंस्टॉलेशन क्या होता है, जहां पर आप अलग अलग तरह की चीजों को इकट्ठा करके एक नई आकृति का, एक नए रूप का निर्माण करते हैं। स्पेसिफिक अगर इनके इंस्टॉलेशंस की बात करेंगे, यानी कि क्या किया, बड़े छोटे छोटे बर्तनों को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भर दिया है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये नियंत्रण रेखा, ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये बनाया है लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको कहा गया है नियंत्रण रेखा। अब यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, देखिए यहाँ पे आपको पीतल के लोटे भी दिखाई देंगे, स्टील के बर्तन भी दिखाई देंगे, घड़े, मटके, छोटे छोटे प्लेट्स हैं जो हम लोग कहते हैं ना परात, वो हैं, कढ़ाइयां हैं, देखिए ट्रे हैं, और तो और ट्रम्पोलेट भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यानी कि जो भी इस तरह के माध्यम हैं उन सबको क्या किया, अलग अलग तरह की वस्तुएं, इंस्टॉलेशन में यही होता है कि आपने अलग अलग तरह की वस्तुओं को इकट्ठा किया और उसके बाद उसको एक अलग रूप दे दिया, एक अलग आकृति का निर्माण दे दिया और उसका एक नाम रख दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कल हम विमान सुंदरम के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने पूरी कूड़े कबाड़े को इकट्ठा करके वो अलग अलग आकृतियां बनाते थे। लेकिन अगर जब हम सुबोध गुप्ता की बात करते हैं, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है बर्तनों का ही प्रयोग किया है ज्यादातर। कहीं कहीं पे आपको मिल जाएंगी कि भाई जैसे जो मेटल की कुर्सियां हैं उनका प्रयोग कर लिया है, या कुछ और चीजें, जैसे अभी यहाँ पे आपको ये बाजनुमा चीज दिखाई दे रही है इसका प्रयोग कर लिया है, लेकिन मुख्य रूप से जो है सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बर्तनों का ही प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए छोटी सी मंदिर की घंटी भी लटकी हुई दिखाई देगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे किया क्या है इन्होंने कि इस तरह से सबको इकट्ठा करके एक नई आकृति को रूप दे दिया है, इसे कोई इंस्टॉलेशन कहते हैं। ये सारी की सारी बिल्कुल संयोजन कला, इंस्टॉलेशन और जो ये बनाते हैं उनको क्या, संयोजक, ठीक है, संयोजन कला, कलाकार, या फिर साथ में क्या है, इंस्टॉलेटर ये कहा जाता है। ठीक,
ओके संजय, आपका सॉरी मैंने दीप भैया, बताइए आपका क्या है। बिल्कुल अनुराधा, ये सारे बर्तन खरीदते थे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, जो हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बड़े रोचक हैं, वो भी इनकी कला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड इवनिंग ब्यूटी। ठीक है जी, तो यहाँ पर चीज समझ में आ गई। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद बरगद का पेड़ है, जिसको बौद्धि वृक्ष कहा गया है। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मूर्ति किसको है, मूर्ति जब आपने किसी एक चीज को जो है एक सुंदर सा रूप दे दिया है, ठीक है, वो एक मूर्ति होगी। मूर्ति में थोड़ा सा बस यही है कि वहां पर क्या है जी, आपने पत्थर की बना दी, मेटल की बना दी, यहाँ पर क्या है, अलग अलग वस्तुओं को इकट्ठा करके आपने समझ लीजिए एक मूर्ति का ही निर्माण कर दिया है, उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। इंस्टॉल क्या होता है, कोई ना कोई चीजें जो है आप जो क्या है क्या कर रहे हैं उसमें अटैच कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को जोड़कर जब आप एक नई कृति का निर्माण करते हैं उसको इंस्टॉलेशन कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलिए अब बात करेंगे। बरगद का पेड़ है, जिसको बौद्धि वृक्ष भी कहा है। कई जगह पे इसको बौद्धि वृक्ष लिखा गया है और कई जगह पर जो है इसको बरगद का पेड़ लिखा गया है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 2014 में इन्होंने इसको बनाया था और 2015 में मैंने खुद इसको देखा है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छी कृति है इनके द्वारा बनाई गई। अब मैंने भी इसको दिल्ली में ही देखा था और अभी आप लोगों को भी दिखाऊंगी इसके बाद। ठीक है जी, कहाँ पर है, स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है और नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है वहां पर ये स्थायी रूप से प्रदर्शित है। आप में से कोई अगर दिल्ली जाता है तो उसको देख सकते हैं। इवन आप मेन रोड से भी, जो यहाँ का जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है इसके परिसर में, बाहर से भी आपको ये दिखाई देती है। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें ये जो बौद्धि वृक्ष है इसमें भी कैसे है, पूरे का पूरा स्टील का ये पेड़ बनाया गया है। इवन की जो जड़ें हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। उसके ऊपर जो ऊपर से जो बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा कि ऊपर से कुछ जटाएं नुमा चीज नीचे लटकी रहती है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी पूरी स्टील से बनी हुई है। अब इसको बनाई इन्होंने 2014 में थी और 2015 में ही विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में इसको क्या है वहां पर भी दिखाया गया था, यानी वहां पर भी जाके इन्होंने इसको इंस्टॉल किया है, इसका इंस्टॉलेशन वहां पर जाकर भी किया था। अब ये तो होगी बात बरगद का पेड़ या बौद्धि वृक्ष की। अब इसके साथ साथ जो मैंने आपको एक कृति दिखाई थी, स्पिल इसको शॉर्ट नेम है, स्पिल इसको कहा जाता है, जिसमें एक बाल्टी थी और जहां पे पानी क्या था जी, ओवरफ्लो हो रहा था, ये वाली कृति दिखाई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है जी, तो ये भी 2015 में वैन सोक बिम स्पिल, ये भी यहाँ पर इनकी इसी संग्रहालय में इसको भी दिखाया गया था। यहाँ पर सेम टाइम पे इनकी दो कृतियां जो हैं इनको यहाँ पर दिखाया गया था। ठीक है जी, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब ये है बरगद का पेड़ या बौद्धि वृक्ष इसको कहा गया है। और अगर स्पेसिफिक इस इमेज की बात करेंगे तो ये जी लंदन की है, जब इसको वहां पर इंस्टॉल किया गया था। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है, लंदन की है, क्योंकि भारत में जो है वो है इसी तरह की बनी है, लेकिन परिवेश देख के ही, पीछे जो बैकग्राउंड है वो देख के आप लोग समझ जाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है जी, तो ये भी आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए हर चीज उन्होंने बड़ी जो है गहराई से, बहुत छोटी छोटी बारीकी से इन्होंने दिखाई है। आप जो इसकी रूट्स हैं वो भी देख सकते हैं, जो ऊपर बरगद के पेड़ से जो इस तरह की क्या है कि जटाएं देखिए निकली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद 2008 में इनके द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग थी जो बहुत ही ज्यादा फेमस रही थी। 2005 में इस पेंटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ा था, नाम था सात समुद्र पार। ये जो सात समुद्र पार है ये इन्होंने क्या है इंस्टॉलेशन भी बनाए हैं और इसी पे सेम इन्होंने पेंटिंग भी बनाई है। जो ये पेंटिंग है इट्स लाइक जैसे आप कहीं जाते हैं, खासकर आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, वहां पे ट्रॉलीज होती हैं जिसमें आप लगेज रख सकते हैं और उसको आप आगे पुश करते हैं तो ट्रॉली आगे चलती जाती है, ये उस तरह की कुछ कृति है। उसी तरह से इन्होंने इसका इंस्टॉलेशन भी बनाया है, उसी तरह से इन्होंने पेंटिंग भी बनाई है। लेकिन मुख्य रूप से जब पेंटिंग की बात करेंगे तो इनकी ये पेंटिंग जो है 2008 में भारत में बिकी हुई सबसे ज्यादा कॉस्टली पेंटिंग थी। 34 मिलियन रुपीज में ये बिकी थी। कोई भी भारतीय जो पेंटिंग थी 2008 की सबसे महंगी, जो सबसे हाईएस्ट बोली जिसकी लगी थी, सबसे महंगी जो पेंटिंग बिकी थी वो सात समुद्र पार इनके द्वारा बनाई गई थी, जिसको इन्होंने कैनवस पर ऑयल पेंट से बनाया था। ठीक है जी, और ये पूरा का पूरा पैसा 34 मिलियन जो थे ये इन्होंने उस समय 2008 में जब बिहार में बाढ़ आई हुई थी तो वहां पर डोनेट कर दिए थे, वहां के फंड में इन्होंने डिपॉजिट करा दिए थे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक कलाकार। जी
इन्होंने बहुत सारे बर्तनों का प्रयोग किया है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अब ये जो मैंने आपकी कृति मैंने आपको इनकी कृति बताई थी फेक मैटर्स, वो आपके सामने है, इस तरह से दिखाया गया है। बड़ा सा टेबल है और उसी के ऊपर सारे बर्तन जो है स्पेसिफिक जो है यहाँ पे लंच बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। क्या है ये? फेथ मैटर्स है। इसके साथ जो है अगर इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करेंगे तो इनके व्यक्तिगत जीवन में जिनकी आप बात कर रहे थे भारती खेर, है ना, भारती खेर की जिनकी आप बात कर रहे थे, ये क्या है, इनसे इन्होंने विवाह किया था। भारती खेर ये क्या है, ये खुद भी एक समकालीन चित्रकार और मूर्तिकार भी हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई हैं। इनसे संबंधित अभी करंट में 2022 में, अगस्त में ना 2022 हमने इनके बारे में पढ़ा था, भारती खेर के बारे में। न्यूयॉर्क में इनकी जो है हमारे पूर्वज जो इनकी सीरीज है उसकी क्या था, सार्वभौमिक माँ, जो एक पूरा इनकी एक मूर्ति है जो बनाई गई है और वो उसको वहां पर रखा गया है। अभी वो सितंबर तक वहां पे रहने वाली थी और उसके बाद उसको भारत लाया जाना था, जिसमें क्या था 23 क्या थे, मानव आकृतियों के फेसेस थे जो कहीं ना कहीं माता के शरीर पर चिपके हुए थे और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा कैसे दिखाया गया है कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। नाम क्या था? सार्वभौमिक माँ। बिल्कुल ये वही भारती खेर है। अभी कब की कृति है इनकी? अगस्त की है, 2022 की। करंट में हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। भारती खेर की जब हम बात करेंगे, इनका जो स्पेशलाइजेशन है, अगर हम बात करें इन्होंने जो कृतियां बनाई है किस तरह की बनाई है, सबसे ज्यादा फेमिनिज्म पे बनाई है, यानी कि महिलाएं जो हैं इनकी कृतियों में आप साड़ियों को देख पाएंगे। इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में सबसे ज्यादा क्या है, बिंदी के प्रयोग के लिए जाने जाती हैं। इन्होंने हर जगह अपनी पेंटिंग्स में, कई जगह पे बिंदियों का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ साड़ियों में इन्होंने महिलाओं को दिखाया है। कहीं ना कहीं एक इनकी मूर्ति है हथनी, बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पे भी इन्होंने क्या किया है, हाथी को नहीं बनाया है, हथनी को दर्शाया है, जो एक बैठी हुई अवस्था में यानी कि बैठने जा रही है वैसे उसको दिखाया गया है। ये वही भारती खेर है। इनके व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें, इनके दो बच्चे हैं और आज भी एट प्रेजेंट गुड़गांव दिल्ली में रहते हैं। वैसे गुड़गांव दिल्ली में नहीं आता है, ठीक है, गुड़गांव में ये लोग रहते हैं और ये दोनों क्या है, समकालीन चित्रकार हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इन्होंने ज्यादातर जो है जी, सार्वभौमिक माँ जो है ये किसकी कृति है, भारती खेर की है, ये सुबोध गुप्ता की नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी माँ पे नहीं बनाई इन्होंने, ठीक है। ये इन्होंने जो है यहाँ पे भारत माँ को दिखाया है, ठीक। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था क्योंकि ये बहुत सुर्खियों में है, ये एट प्रेजेंट का काम है इनका, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने भारतीय जो परंपरा है, जो हमारी सार्वभौमिक माँ यानी कि भारतीयता के साथ साथ जो है क्या है, पूरे ब्रह्मांड की जो एक माँ है और एक मातृत्व दिखाया है कि हम चाहे संसार के किसी भी कोने में रहते हैं, इसके लिए हम सब बच्चे हैं, सार्वभौमिक माँ, सबकी माँ यानी, ठीक है, इसका नाम ये है। हाँ, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करती हैं और ये हमने आई थिंक करंट की शायद हमारी जो सबसे फर्स्ट या सेकंड क्लास थी उसमें मैंने आपको कराया है, वहां पर आप इनके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। भारती खेर की डिटेल्स जो है हम वहां पर पढ़ चुके हैं। अब ये हमने सुबोध गुप्ता के पहले पढ़ ली है, रीजन क्या है, क्योंकि ये उस टाइम सुर्खियों में थी, इनका वर्क सुर्खियों में था, तो इनको हमने डिटेल में पढ़ा है, एक भारती खेर को, और इनके साथ हमने अरुण योगीराज जी को पढ़ा था, ठीक है जी। चलिए, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक तरफ आपको एक स्कूटर दिखाई दे रहा है जी, जिस पर क्या है, जो दूध के बर्तन जो होते हैं, क्या कहते हैं इनको, मुझे पता नहीं है, ठीक है, जिनमें अगर हमने देखा होगा ना कि जो दूध वाले जो आपके घर घर में भी रोज दूध लेके आते हैं तो ऐसे ही सप्लाई करते हैं, इस तरह की डोलची होती है, यहाँ यूपी में तो डोलची कहा जाता है, ठीक है जी। तो क्या है, इसमें ये सप्लाई करते हैं दूध, एक तरफ तो जी आपको ये स्कूटर दिखाई देगा। एक मिनट गाइस, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो क्या है, एक तरफ तो ये स्कूटर आपको दिखाई दे रहा है और एक तरफ आपको बुलेट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे रीजन क्या है, दोनों पे क्या किया जा रहा है जी, दोनों को जो है यूज किया था इन्होंने, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि देखिए एक ही समय में दो अलग अलग जगह पर, यानी एक ही समय में दो अलग अलग जगह की जो स्थिति है वो कैसी रहती है, वो यहाँ पर इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे, ये जो स्कूटर जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था, इसका इन्होंने कुछ नाम रखा था, चंद्रिका या कुछ ऐसा नाम रखा था इसका, ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्टली वो नाम याद नहीं आ रहा है।
तो ये कहते थे कि भाई ये जो है ये हम लोग बिहार से जोड़ के इसको देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे यहाँ दूध वाले आते हैं तो वो क्या है, वो बुलेट पे नहीं आते हैं। इनका कहने का ये तात्पर्य था कि यहाँ पर या तो स्कूटर पे, पुराने जो स्कूटर्स थे इनके जमाने पर, या अब तो बाइक्स हैं उस पर सप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी इस समय पे भी वहां पर इतनी इतना ज्यादा जो है अभी लोग इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए हैं। लेकिन अगर वही बात जहां पर अभी रह रहे हैं, गुड़गांव की बात करें, दिल्ली की बात करें, खासकर अगर पंजाब की बात करें, तो वहां पर क्या है, दूध वाले भी बुलेट्स लेके आते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की थी, दोनों को बनाया था कि भाई एक समय, सेम समय पर दो स्थानों पर अलग अलग जो चीजें हैं वो किस तरह से दिखाई देती हैं, ठीक है। यानी कि अलग अलग जो रहन सहन है या वहां की स्थिति है, स्पेसिफिक इन्होंने बिहार को यहाँ पे टारगेट किया है, जो इनका क्या था, इनका जन्म क्षेत्र था, इनकी मातृभूमि थी, कि वहां पर अभी भी स्थितियां बहुत अच्छी सुधरी हुई अवस्था में नहीं है, ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब आगे जो यूएफओ की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ से अभी आपको प्रीवियस ईयर्स में, सॉरी ये प्रीवियस ईयर्स में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है यूएफओ को लेकर, तो ये क्या है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी। यूएफओ ये इन्होंने इस तरह से बनाया है, और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पीतल के जो कटोरे होते हैं उनको यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ। ना कोई बाल्टी मिलेगी, ना कोई गिलास मिलेगा, ना कोई थाली मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ जो पीतल के कटोरे हैं उनको यूज किया है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है, जो आप लोग कई क्वेरीज कर रहे थे कि मैम इतनी इनके सारे इतने सारे बर्तन इनको खरीदने पड़ते होंगे, ठीक है जी, बिल्कुल है। देखिए इनके जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, खासकर जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है, बाकी तो इन्होंने कहाँ बनाए हैं, जो खोज है सॉरी वहां पर इन्होंने बनाए हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, तो वहां के जो कार्य करने वाले लोग हैं, जहाँ वहां का जो मैनेजमेंट है, वो अक्सर ये बात करते हैं कि इनकी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो इतने ह्यूज हैं कि हम लोगों को हमेशा या तो इनकी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो ट्रकों में आती हैं, और उसको हमें असेंबल करने के लिए, रखने के लिए, उनको उतारने के लिए क्रेन की बंदोबस्त करनी पड़ती है, क्रेन की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इनके जो कृतियां, इन्होंने जो इंस्टॉलेशंस बनाई थी, टनों के हिसाब से उसमें स्टील के और पीतल के बर्तनों का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर किलो के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से जो है वो बर्तन यहाँ पे लाए जाते थे। अब ये क्या है, ये भी एक एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो ये अपनी कृतियों के लिए, अपने इंस्टॉलेशंस के लिए करते थे। भारी भारी मशीनों का प्रयोग किया जाता था उन इनको इंस्टॉल करने के लिए, इनको शेप देने के लिए। जैसे मान लीजिए जो बड़ी बड़ी बाल्टियां आपने देखी, तो क्या है, पहले उसको पूरा मेटल को पिघलाया जाएगा, फिर उन मशीनों का प्रयोग से उनकी कटाई छटाई की जाएगी, तो फिर एक बड़ी सी बाल्टी बनेगी। तो यहाँ पर भारी भरकम मशीनों का भी प्रयोग किया जाता था उनकी जुड़ाई और चौड़ाई के लिए, ठीक है, समझ गए आप लोग। और इसके साथ साथ बात यहाँ पर ये नहीं है, देखिए ये सब तो बाद के वर्क है, लेकिन इसमें मैनुअल पावर भी बहुत ज्यादा लगती है। सैकड़ों के हिसाब से इनके जो इंस्टॉलेशन है उसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी, जो इसको असेंबल करते थे, इन चीजों को बनाते थे और साथ में लगाते थे, उसके साथ जो उनका समय, ठीक है, यानी अपना जो समय वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी लगता था। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अपनी कृतियों के बारे में कहते हैं कि मेरी पूंजी लगती है, या आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वही वहां पे भी तो क्या है, इन्वेस्टमेंट हो ही रही है, पूंजी लग रही है। तो ये कहते थे कि जी एक तो पूंजी लगती है, समय लगती है, मशीनों का कार्य होता है, क्रेन और ट्रकों की जरूरत पड़ती है, वो भी पड़ती है, और इसके साथ साथ जो है जो मैन पावर यूज की जाती है ये सब होता है, उसके बाद क्या है इस तरह की कृतियों का निर्माण किया जाता है, इस तरह की इंस्टॉलेशन जो है रिजल्ट आपके सामने आते हैं, इनके बारे ही अपने बारे में यही कहते हैं, ठीक है जी। चलिए चलिए ठीक है जी, तो यहां तक चीज समझ में आ गई। अब ये जो आप इनकी पेंटिंग्स की बात कर रहे थे, अभी तक तो आपने एक एक चीज इनके बारे में डिटेल में देख ली, इतनी डिटेल में पढ़ क्यों रहे हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ। और देखिए अभी पिछले साल 2021 में सुनील पटवर्धन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आया था, अभी अक्टूबर में भी उनकी एक, आई थिंक 15 अक्टूबर को उनकी एक नई पेंटिंग लॉन्च हुई है, उन्होंने एक नई पेंटिंग बनाई है, वो बहुत सुर्खियों में है, शायद वो कुछ क्या है, स्ट्रीट का व्यू है, आई थिंक उसका नाम कुछ ऐसा है, स्ट्रीट व्यू या वर्ड स्ट्रीट व्यू ऐसा उसका कुछ नाम है, वो भी बहुत सुर्खियों में है, इसको भी हम करंट में पढ़ेंगे, ठीक है जी। क्या है,
सुनील पटवर्धन, इनके बारे में भी देखेंगे। अब ये क्या है, माई विलेज, जो इन्होंने माई विलेज थीम पर इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है वो आपके सामने है। दोनों तरफ क्या है, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या किया था, चावल के जो बोरे होते हैं वो इन्होंने लुक दिया है, उसको कहीं यूज किया है। देखिए चावल के बोरों को यूज नहीं किया है, लेकिन वो चावल के जो बोरे थे उनका लुक इन्होंने क्रिएट किया है। जो लीनन था उसके कपड़े पर इस तरह का कलर ये यूज करते थे ताकि ये एक लगे कि बोरे हैं, ठीक है, किसके, जो चावल के बोरे होते हैं। और उसके ऊपर सेम क्या है जी, वही बर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ये कौन सी, इसकी जो शीर्षक है क्या है, माई विलेज इसका शीर्षक है। इसके साथ एक और पेंटिंग है इनकी, कैनवस पर ऑयल से बनाया है। ये क्या है, ये टाइटल लेस है, यानी इसका कोई शीर्षक नहीं है, लेकिन पेंटिंग आपके सामने है। इसी तरह की पेंटिंग्स उन्होंने दिखाई हैं, दीवार में जो पुराने स्टील के जो बर्तन हैंग करने के लिए रैक्स होते थे वो इन्होंने दिखाए हैं, यानी इसी माध्यम से आपको इनकी पेंटिंग्स देखने को भी मिलेंगी। अब कुछ एक इनके क्वेश्चन है, फटाफट उनको देख लेंगे। इनमें से कौन अपने आप को रेलवे बॉय कहा करते थे, सुबोध गुप्ता है, रणवीर सिंह विष्ट है, राम कुमार है, या राधा मोहन है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं या आपको पूछे जाते हैं, यानी आपका प्रैक्टिस सेशन, ठीक है जी। बिल्कुल सब कुछ है, ठीक है, बाल्टी, भगोना, कढ़ाइयाँ, कुकर, चम्मच, सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि ये इतना ही है, ये तो मैंने आपको सिर्फ मेन मेन डिस्कस किए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी कृतियां देखेंगे ना, क्या तो वर्ड कुकिंग इस तरह का है, उसमें तो आपको पूरे बर्तन टंगे हुए दिखाई देंगे। बहुत सारी कृतियां हैं, एक बार करने क्या है, फुफ्फल जो हमारे गूगल फुफा जी हैं वहां पर एक बार पूछ लेंगे और आपको क्या है जी वहां पे आंसर मिल जाएंगे। कितनी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है और कितनी इन्होंने इंस्टॉलेशन बनाई है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुबोध गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समकालीन कला के अग्रदूत कलाकार सुबोध गुप्ता का जन्म कहाँ पर हुआ है, सबको पता है, ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। सी ऑप्शन बिहार, और बिहार में भी कहाँ पर हुआ है जी, खगोल में हुआ है। कहाँ पे, खगोल में इनका जन्म हुआ है, खगोल एक कस्बा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, फटाफट आप लोग भी आंसर देते जाएंगे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के बगीचे में स्थित 20 फीट ऊंचा बौद्धि वृक्ष, ठीक है, बौद्धि वृक्ष यानी कि जो अभी हमने देखा था बनियन ट्री, किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो किसके द्वारा निर्मित किया गया है, ये भी विवान सॉरी सुबोध गुप्ता के द्वारा क्या है, इसको बनाया गया है, इनके द्वारा ही इसको निर्मित किया गया है, ये भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे, सुबोध गुप्ता का जन्म कब हुआ था, अब इसका आंसर आप लोग देंगे फटाफट। फूफा जी इसलिए कहते हैं, फूफा जी को सब पता होता है, ठीक है, सबके घर में फूफा जी हैं, उनको नाराज नहीं करते हैं, गूगल फूफा जी हैं, ठीक है, जेनी जेनी जिनको सब पता होता है, वो कौन है, वो हमारे गूगल फूफा जी, ठीक है जी। आदित्य अब समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 1964, बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल किसकी कलाकृति है, सुबोध गुप्ता, सुरेंद्र नाथ कर है, शेल चोयल आएगा यहाँ पर, चोयल है या एस बी पालिसर है, आपको सबको पता है, ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। कौन है जी, सुबोध गुप्ता की ही कलाकृति है। अब यहाँ पे तो बड़ा इजी लग रहा है, क्यों, क्योंकि सबका आंसर एक ही है, सुबोध गुप्ता को पढ़ रहे हैं तो आंसर तो वही होगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन क्या होगा, अभी तो मैंने आपको इनकी जो है इमेजेस दिखा दी कि इस तरह से ये कृतियां दिखाई देती हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा। अगर ऐसे रट्टाफिकेशन के हिसाब से पढ़ाया जाए कि इन्होंने ये चित्रों का निर्माण किया है, ये इंस्टॉलेशन इन्होंने बनाई है, तो याद नहीं रहता भी, और जब ये जो है क्वेश्चन जो है पूरे मिक्स पूछे जाते हैं वहां पे आप लोग आंसर नहीं दे पाते, ठीक है जी। तो क्या है, रीजन क्या है, और देखिए जब किसी हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को इतना डीप से पढ़ते हैं ना, थोड़ी सी बोरियत भी होने लगती है, करेंगे क्या, जो भी हो ऑल इन ऑल आपको सरकारी नौकरी लेनी है, कोशिश में पूरी करती हूँ कि आपका एंटरटेनमेंट भी साथ में होता रहे, यानी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपका बना रहे, ठीक है, तो करेंगे क्या, बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल पूनम, किचन और कचरे दोनों जो है निपट गए, और देखिए अभी नहीं, दोनों नहीं, अभी जो कचरे वाले हैं एक और हमारे पास आएंगे अभी, ठीक है, आपको बताना है कौन है वो। थोड़ा सा हिंट मैं आपको देती हूँ, राम किंकर बैच के स्टूडेंट है वो, ठीक है जी। ऑल इन द सेम बोट किसकी कलाकृति है, सुबोध गुप्ता की कलाकृति है। क्या है, ऑल इन द सेम बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माई मदर एंड मी कलाकृति किस कलाकार से संबंधित है, ये भी किससे संबंधित है, सुबोध गुप्ता से संबंधित है। समझ में बाबू आपको आ गया, जहाँ पे छोटी स्कूटिया की तरह से जो है जो गाय के उपले से जो इन्होंने इंस्टॉलेशन बनाई है वही है माई मदर एंड
मी किसकी है? सुबोध गुप्ता की। सेल्फ पोर्ट्रेट बिहारी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है जी? ये भी सुबोध गुप्ता से संबंधित है। वेरी हंग्री गॉड ये किसकी कलाकृति है? तो ये भी किसकी कलाकृति है? सुबोध गुप्ता की ही कलाकृति है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया, सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी क्या करेंगे? उसके बाद भी आंसर जी, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बिहाफ पे आंसर सबने जरूर देना जी। क्योंकि देखिए आपको ये जो आपको कलाकृतियां है ना, ये एक तो आपको इतनी ढूंढनी पड़ती हैं, उसके बाद कौन सी कलाकृति का नाम क्या है और किस तरह से उसको बनाया गया है, इसमें बहुत टाइम जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जगह जो है इनका नाम नहीं दिया गया होता है। ठीक है, और उसके लिए आपको बहुत सर्च करना पड़ता है। ठीक है जी, राइट आंसर क्या है? सुबोध गुप्ता, पता चल गया आपको। स्टेनलेस स्टील से कलाकृतियां बनाने में विख्यात कलाकार कौन है? अब जब स्टेनलेस स्टील की बात होगी तो कौन है? सुबोध गुप्ता है। प्रीवियस ईयर में इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टेनलेस स्टील या पीतल के बर्तनों का प्रयोग करके कौन अपनी जो है कृतियों का निर्माण करता था, कलाकृतियों का निर्माण करता था, तो कौन है? सुबोध गुप्ता ही है। ठीक है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल कलाकृति सुबोध गुप्ता जी ने कब बनाई है? अब ये आप आंसर देंगे, देखते हैं डेट आपको याद है या नहीं है। 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2012 में, कब इसको बनाया है? जी, 11th का आंसर देंगे। इलेवेंथ का आंसर ठीक है, सुषमा कह रही है कब बनाया है? 2012 में बनाया है। चलिए और कोई, ठीक है, संजय 8 कह रहे हैं, स्मार्ट बॉय 8, ओके, और कोई? ठीक है जी, सबके आंसर क्या है? ए में आ रहे हैं। दिव्या आप 9 कह रही हैं, ठीक है। ध्यान कहाँ है? 2008 में इसको बनाया गया था, 2009 में इसको एग्जीबिशन में दिखाया गया था, अभी हमने पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले। क्या है? 2008 में इसको बनाया गया था, 9 में एग्जीबिशन में इसको दिखाया गया है। ठीक है जी, क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, जो मशरूम की तरह कलाकृति आपको देखने को मिलती है। वेरी गुड, वेरी नाइस, क्या है? 2008 इसका राइट आंसर होगा, इसका मतलब क्लास में ध्यान है। ठीक है जी, तो आज का सेशन गाइस हम लोग यही एंड करेंगे जी। नेक्स्ट है अनीश कपूर, और अनीश कपूर जो है इनके बारे में पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इनकी हर एक जो कलाकृति है बहुत अलग है। ठीक है, अभी देखिए जैसे हम कल विमान सुंदरम के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर उन्होंने अलग अलग कलाकृतियां देखी, तो थोड़ा सा क्या है ना, एक उस जोन में आप लोग नहीं जाते हैं। यहाँ पे एक ही तरह की हैं, लेकिन यहाँ पर आपके एग्जाम के हिसाब से चीजें सही हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये पता है कि भी माध्यम इनका यही रहने वाला है, कहीं ना कहीं आपको वो जो पिक्चर्स हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं वो आपके दिमाग में आ जाएंगी और आंसर आपका एकदम सही होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए जी, दीपक जी बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। कल महामैराथन क्लास नहीं होगी, क्योंकि एक तो कल जो है आपने से किसी ने कहा था कि मैम कल छठ पूजा है, और उसके बाद और भी बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि मैम कल छठ पूजा है, कल क्लास नहीं ले पाएंगे। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, शायद उनका कुछ फास्ट भी कुछ होता है, सुबह भी लोग जल्दी उठ के पूजा करेंगे और शायद शाम को भी पूजा रहेगी। ठीक है जी जी बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी, कल छुट्टी रहेगी, बिल्कुल छुट्टी रहेगी। ठीक है जी, तो आज का सेशन ये एंड करेंगे गाइस। करना क्या है, जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना है और शेयर तो जरूर जरूर करना है। टेलीग्राम लिंक आपके सामने है, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम ग्रुप में जो लिंक है वो आपके सामने है, और यहाँ पर PDF अब आपको मंडे को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए गुड नाइट गाइस जी, बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने है। ठीक है, यहाँ से आपको ठीक है। आशफा देखिए, अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप हमने नहीं बनाया है, कि कई सारे रीजन है जिसकी वजह से नहीं बनाया है। आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी वो आप क्या करेंगे, जो भी हमारी नई क्लास रहती है उसमें आपने क्या करना है, मैसेज उस पर छोड़ देना है, या और भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है, आज का सेशन यही एंड करते हैं। मंडे को मिलेंगे सुबह 10 बजे, रिजल्ट सॉरी वहां पे मिलेंगे हम, हरियाणा एग्जाम रिजल्ट ग्रुप पे। तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट एंड कीप स्टडिंग गाइस, बाय बाय।